आराम से सारे हो जाओ, आराम से कर लीजिए। अच्छा जो सारे पीछा जो भाई मीडिया वाले सारे फ्रेंड में जो अच्छा जो कैमरा मैन पास पास हो जाए थोड़ा बैक हो जाओ बोलो जी। मैं समस्त हरियाणा वासियों से निवेदन करता हूँ कि वहाँ की सरकार को कोई कार्यवाही नहीं कर रही। अभी वहाँ से फोन आया है कि आप सभी सभी वहाँ इकट्ठा होके सारे रोड जाम कर दीजिए, सरकार अपने आप घुटनों के बल आ जाएगी और हमारी मदद करने के लिए भी तैयार होगी। इसलिए मैं सारी जनता से अपील करता हूँ कि हमारे फार्म हाउस पे आके इकट्ठा हो और हमारा साथ दें। फोन आया वहाँ पर, किसका फोन आया और क्या बातचीत हुई है वहाँ पर? सर भाई का फोन आया है जी, मोनिंदर फोगाट का। उन्होंने हमारे को जानकारी दी है कि वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना प्रशासन साथ दे रहा ना सरकार साथ दे रही हमारा। तो सर मौजूद होते हुए आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? जी सर, जी सर, आम आदमी का कहीं सुनवाई नहीं है। जब इतनी बड़ी नेता थी वो उन्हीं की सुनवाई नहीं है तो आम आदमी कहाँ से आएंगे बीच में? और वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार। पोस्टमार्टम नहीं करी, एफआईआर दर्ज नहीं? अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ ना ही एफआईआर दर्ज करी। कहने के बावजूद भी एप्लीकेशन भी दे चुके हैं हम, फिर भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं। पुलिस परिवार क्या चाहता है? परिवार तो इंसाफ चाहता है सर, इंसाफ करो, लेकिन कोई इंसाफ नहीं करा। परिवार सरकार का जो इंसाफ चाहिए, इंसाफ न्याय मिलना चाहिए हमारे को वो, और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम रोडों पे आएंगे और कहाँ जाएंगे? क्या सर पुलिस को दबाव डाल रही है कि आप पोस्टमार्टम करवाइए? पुलिस दबाव बना रही है कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, आप वो करवा लीजिए, पोस्टमार्टम करवा लीजिए। तो पीए सुधीर को लेकर भी कोई बातचीत हुई आपकी दोबारा? नहीं, पीए सुधीर को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई सर मेरी। सुबह जब पीए सुधीर की गिरफ्तारी खबर आई थी उसको लेकर क्या कहना है? पीए की जब गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है, स्पेशल उसको सिर्फ बिठाया गया है और उसको मतलब इतना वो नहीं किया गया, उसको टीवी दिखाया जा रहा है, मोबाइल यूज कर रहे हैं, किस बात का उसको अरेस्ट? फिर क्या फायदा इस चीज का? उससे कुछ पूछताछ से कुछ कोई पूछताछ नहीं, उससे कोई कुछ नहीं है। मतलब खानापूर्ति उसकी गिरफ्तारी की, खानापूर्ति के लिए गिरफ्तारी की सुधीर की है जी। फोन अभी आया है हमारे परिवार वालों का कि कोई कार्यवाही नहीं हो रही। फिलहाल इमरजेंसी कॉल आप दे रहे हैं जो सोनाली फोगाट के कार्यकर्ता, उनसे अपील कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश वासियों से अपील कर रहा हूं कि फार्म हाउस पे इकट्ठा होकर हमारा साथ दें और हमारे साथ चलें ताकि हमें न्याय मिल सके। क्या प्रक्रिया करें, रोड जाम वगैरह? बिल्कुल सर, हम रोड जाम करेंगे बिल्कुल। अब तो भी आप क्या चैनल्स के माध्यम से क्या अपील करने हैं? चैनल के माध्यम से ये अपील करेंगे, अगर हमारे को न्याय नहीं मिलता तो हम रोड जाम करेंगे चाहे कुछ हो जाए। किस किस का हाथ मान रहे आप इसके अंदर? आज हम किसी का नहीं सर, अभी सुधीर सांगवान के ऊपर हमें वो है, शक है, पुलिस उसको गिरफ्तार मतलब बिठा रखा है वहाँ पे, कोई कार्यवाही नहीं कर रही उसके खिलाफ। सर बीजेपी की नेता थी, बीजेपी के नेताओं का अभी तक कोई बयान नहीं आया इसको लेकर? नहीं सर, अभी तक कोई बयान नहीं आया, अभी तक किसी कोई बड़ा नेता यहाँ नहीं पहुंचा है, नहीं हमारे को किसी ने आश्वासन दिया है अभी तक। मनोहर लाल जी से बात हुई है कोई? नहीं सर, कोई बात नहीं। मनोहर लाल जी का कल एक ट्वीट था, सिर्फ भाई मेरे को दुख हुआ, उद्घाटनों में व्यस्त है वो, इस बात को खा वो है। हरियाणा के किसी मंत्री से, कोई विधायक या स्थानीय जो हिसार के मंत्री है कमल गुप्ता, उनसे कोई? नहीं सर, कोई किसी से बात नहीं हुई, किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया हमारे को। अब हम मजबूर होके अपना कदम उठाएंगे क्योंकि हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? गोवा में बीजेपी की सरकार है, फिर भी कभी कोई सुनवाई नहीं? नहीं सर, कोई सुनवाई। वहाँ के मुख्यमंत्री ने प्रमोद सावंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और सारी जांच। नहीं सर, कार्रवाई कितने दिन में करेंगे? कार्रवाई तो सुशांत की अभी तक नहीं हुई, कार्रवाई क्या फायदा है ऐसी कार्रवाई का? जी आप क्या अपील क्या करेंगे कि अब रोड जाम की प्रक्रिया कर रहे हैं? हम रोड जाम की प्रक्रिया करेंगे। मैं तो पूरी प्रदेश की जनता से कहता हूँ कि सारे हाईवे जाम कर दें जी। तो एक बार नाम बता दीजिए आपका, क्या रिश्ता है सर? विकास क्या? ये भांजा है जी, भांजा जी, आप क्या कहेंगे सर? मैं अभी ये कह रहे हैं, हम तो जनता जी, हम किसी की डेथ हो जाए हम चाय पानी नहीं पीते, ये हमारे समाज का। और दो दिन से परिवार भूखा है, सरकार कब कार्रवाई करेगी? हम पूछना चाहते हैं सरकार से, यहाँ अभी तक कोई भी जिले से कोई भी बीजेपी का नेता यहाँ नहीं पहुंचे। क्या कोई मंत्री से तालमेल है? मंत्री यहाँ चाय पीने आते थे मैडम के पास जी, पहले आते थे, हम भी आते थे, काफी मंत्री तीन बार आते हैं जी, हम सारे तीन बार मंत्री आते मंत्री चाय पीने के लिए, चाय पीने के लिए। मगर आप कोई जो दुख है उसको मांटने नहीं आ रहे। अब कोई सभी मंत्री अब हमारे ने कहा है करके नहीं पूछा अभी, अच्छा कोई कॉल भी नहीं कर रहा, एक भी कॉल नहीं की, क्योंकि हमारे पीछे से मगर आप नंबर नहीं आई, अब सेंटर का नंबर तो भी कॉल नहीं कर सकते। अब आदमपुर में हमारे पास वोट मांगने भी आएंगे,
अब सुनने में दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जो परिवार है वो पीड़ित परिवार पूरे प्रदेश से अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द आदमपुर यहाँ पर पहुँचे और जो बात कर रहा है कि जाम लगाने की, यदि सोनाली फुगाड़ को इंसाफ नहीं मिलेगा तो जल्द से जल्द सभी से अपील करते हुए कि आप फार्म हाउस पे पहुंचे और जल्द से जल्द सोनाली फुगाड़ को इंसाफ दिलाने के लिए इस परिवार की मदद करें, सभी से अपील कर रहे हैं परिवार। अब ये देखना होगा कि कितना जल्द लोग यहां पर पहुंचते हैं और सोनाली फुगाड़ को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आते हैं। फिलहाल परिवार ने अपील जरूर की है पूरे प्रदेश वासियों से, हरियाणा वासियों से जल्द आप यहां पर पहुंचे और जो मजबूरन रोड जाम करने की स्थिति पैदा हो चुकी है क्योंकि परिवार का जो धैर्य है अब जवाब देने लग गया है।